उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें। दुष्यंत कुमार की यह पंक्तियाँ भारतीय सेना के हर एक जवान पर सटीक बैठती है। आखिर सेना के जवान ही तो हैं जो देश की सरहदों पर दुश्मनों को धूल चटाने के लिए हमेशा अपनी आंखों को खुला रखते हैं, जिनकी वजह से हम देश के हर एक कोने में सुकून से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ 1971 का युद्ध इसका बड़ा उदाहरण है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इस युद्ध में भारतीय जवानों ने दुश्मन को धूल चटाई। इस युद्ध में हमारे कई सैनिक देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सैखो उन्हीं में से एक नाम है। वे भारतीय वायुसेना के एकमात्र परमवीर चक्र पाने वाले जवान हैं। ऐसे में इस जाबाजी की कहानी को जानना बेहद दिलचस्प रहेगा। निर्मलजीत सिंह का जन्म 17 जुलाई 1943 को लुधियाना में हुआ था। पंजाब के एक छोटे से गांव में जन्मा यह बच्चा बचपन से ही भारतीय सैनिक बनने का सपना देखने लगा, क्योंकि इनके पिता तारलोचन सिंह सैखो भारतीय वायुसेना के लेफ्टिनेंट थे। पिता की तरह निर्मलजीत भी वायुसेना में भर्ती होना चाहते थे और देश के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा रखते थे। खैर, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1967 में निर्मलजीत सिंह सैखों को पायलट ऑफिसर का पद मिला। इनको भारतीय वायुसेना के अन्य साथी प्यार से भाई कहकर पुकारते थे, जो इनका उपनाम बन गया था। इसके बाद इनकी शादी मनजीत कौर से हो गई। शादी के कुछ दिन बीते थे कि दिसंबर 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। अभी मनजीत कौर के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, लेकिन देश का यह वीर जवान भी क्या करता। दुश्मनों ने देश पर आक्रमण जो कर दिया था, ऐसे में निर्मलजीत सिंह अपनी पत्नी मनजीत से जल्द वापस आने का वादा किया और देश के दुश्मनों को सबक सिखाने रणभूमि की तरफ चल दिए। घर से वापस आने के बाद निर्मलजीत सिंह कश्मीर में अपनी सुरक्षा टीम के साथ तैनात हो गए। ये वहां पर 18 नेट स्क्वाड्रन विमान के साथ मौजूद थे। 17 दिसंबर को श्रीनगर एयरफील्ड पर पाकिस्तान के 6 साइबर जेट विमानों ने हमला करना शुरू कर दिया। सुबह लगभग 8:02 पर दुश्मन के आक्रमण की चेतावनी दी जा चुकी थी। सुबह के समय एयरफील्ड में काफ़ी धुंध था। चेतावनी मिलने पर निर्मलजीत के साथी बलदीर सिंह घुम्मन ने भी अपनी कमर कस ली और 8:04 पर घुम्मन ने अपनी विमान के उड़ान का संकेत दिया और बिना उत्तर मिले ही विमान लेकर उड़ गए। घुम्मन अपने दोस्तों के बीच जी मैन के नाम से जाने जाते थे और एक सीनियर पायलट थे। घुम्मन के उड़ने के बाद निर्मलजीत ने भी अपनी विमान को उड़ाने के लिए रनवे किया। तभी अचानक रनवे के दौरान ही उनके विमान के पास दुश्मन ने बम गिरा दिए। हालांकि किसी तरह निर्मलजीत सिंह बचते हुए अपने विमान को हवा में उड़ा दिया। उधर इनके साथी घुम्मन दुश्मन के एक विमान का पीछा करते रहे, वहीं निर्मलजीत भी पाकिस्तान के 2 विमानों का पीछा करने लगे। उनमें से एक विमान वही था जिसने इनके रनवे के दौरान बम गिराया था। खैर, दुश्मन के हमले के बाद भारतीय वायुसेना के ये 2 जाबाज सिपाही हमलावरों को मात देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। एयरफील्ड पर बम गिरने की वजह से सब कुछ धुआं धुआं हो गया, जिसकी वजह से दूर तक देख पाना बड़ा मुश्किल था। टीम का नेतृत्व 1965 में हुए युद्ध के अनुभवी कमांडर चंगजी कर रहे थे। हवा में दुश्मनों का पीछा करते हुए घुम्मन और निर्मलजीत सिंह का संपर्क एयरफील्ड से टूट चुका था, लेकिन इन दोनों बहादुरों का संचार व्यवस्था काम कर रहा था। तभी निर्मलजीत सिंह की आवाज़ घुम्मन को सुनाई पड़ी, मैं 2 सबर जेट जहाज़ों के पीछे हूँ, मैं उन्हें जाने नहीं दूंगा। इस संदेश के कुछ देर बाद ही निर्मलजीत सिंह ने पाकिस्तान के एक विमान को मार गिराया, जिसके बाद उन्होंने दोबारा अपना संदेश दिया, मैं मुकाबले पर हूँ और मुझे मज़ा आ रहा है, मेरे इर्द गिर्द दुश्मन के 2 सबर जेट है,
मैं एक अब एक का ही पीछा कर रहा हूं, दूसरा मेरे साथ साथ चल रहा है। इस संदेश को सुनते ही घुम्मन अपने साथी की मदद के लिए जाना चाहते थे, मगर वो मजबूर थे क्योंकि वो भी दूसरे विमान को मारने की फिराक में थे। इसके कुछ देर बाद हवा में एक और धमाके की गूंज सुनाई दी, मगर यह गूंज फिर से दुश्मन पाकिस्तान के सैबर जेट विमान की थी। निर्मलजीत सिंह ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने जी विमान से विरोधियों के दो विमान मार गिराए थे और इसका वो भरपूर जोश के साथ आनंद ले रहे थे। अब उनके सामने उनके बराबरी में चलने वाला सैबर जेट विमान टारगेट पर था। उन्होंने अपने विमान को उसके पीछे लिया और उसको भी मार गिराया। निर्मलजीत सिंह बड़ी साहस के साथ दुश्मनों के साथ युद्ध कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान के तीन विमानों को ध्वस्त कर दिया था, मगर कुछ देर बाद भारतीय वायुसेना के इस बहादुर ऑफिसर का एक आखिरी संदेश अपने दोस्त को सुनाई पड़ता है। शायद मेरा नेट विमान निशाने पर आ गया है। जी मैन, घुम्मन, अब तुम मोर्चा संभालो। यह निर्मलजीत सिंह का आखिरी संदेश देना ही था कि दुश्मन विमान ने इन पर हमला कर दिया, जिसके बाद इनका कंट्रोल खो गया। फिर इनका विमान तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। निर्मलजीत सिंह अपने विमान से बाहर निकलने की कोशिश की, मगर इजेक्शन सिस्टम लॉक हो गया था, जिसकी वजह से वो विमान से निकल पाने में असमर्थ रहे। फिर उनका विमान बड़गाम के पास क्रैश हो गया और निर्मलजीत सिंह वीरगति को प्राप्त हो गए। निर्मलजीत सिंह ने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ लड़ते हुए देश के लिए बलिदान दे दिया। उनके शहीद होने के बाद उनकी नई नवेली दुल्हन उनकी विधवा हो चुकी थी। हालांकि इनकी शहादत के बाद देश के इस वीर सिपाही को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसमें इनकी विधवा पत्नी और लेफ्टिनेंट पिता मौजूद थे। दोनों को एक तरफ जहां निर्मलजीत को खोने का दुख था, वहीं दूसरी तरफ उनकी शहादत पर गर्व। इस तरह देश के लिए अपनी जान का बलिदान देने वाले भारत का यह सिपाही परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाला पहला वायुसैनिक बना। अंततः इनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। इस युद्ध में पाकिस्तान को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा था। भाई सैको जैसे जाबाज सिपाही हर रोज पैदा नहीं होते, इसलिए हमको भारत के सभी वीर सैनिकों को याद किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी बहादुर वायु सैनिक निर्मलजीत सिंह सैको की कहानी। दोस्तों, निर्मलजीत सिंह के बारे में अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिखते हुए जय हिंद जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो हिंदी भाषा में देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिक भारत को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।